स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं लेफ्ट और चार एक और डाउन। यहां पे ज़ाइडॉक को डाउन किया जाता है। हाउ ब्रांड की तरफ से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ। लेट्स सी क्या यहां पे टीम स्टार को टफ टाइम मिलने वाला है। जैदी को स्पॉट किया गया है और शायद ये नेट जाने वाला है इस बार जैदी के पास। अरे भाई सेकंड में डाउन द लास्ट वन मैन। बंदे बिल्कुल सामने। दो डाउन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादे हो, फिटफाट हो। उम्मीद है आप सब ओके होंगे, रोके की रिपोर्ट में होंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोग देख चुके हो। इन शॉर्ट आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होनी हैं, राइट लेफ्ट भी मैं जा सकता हूँ। तो उससे पहले आप लोग ये एक प्यारी सी फाइट देख लो जो कि मेरे ही क्लैन मेंबर्स के खिलाफ थी टूर्नामेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपका भाई शेक में बैठा होता है। तो आप निकलो ना गाड़ी से, निकलो हमारी साइड पे। नहीं, कोई ना कोई ना, ये स्लैम डालेंगे। दोनों कहो कमें चार ना बाबा इधर एक इधर शेक के बाहर मार गया ना। नाइस। तो यहाँ पे मैं 1v3 करके अपने टीममेट्स को भी बचा लेता हूँ और मैं एज अ सपोर्टर टीम में खेल रहा हूँ और मैंने ऐसी ऐसी जगह पे अपने टीममेट्स को रिवाइव देना है कि आप लोगों ने देख के कहना है ओए होए मजा आ गया। बाकी बाबा जी तफसील में ओके की रिपोर्ट में प्रॉपर गेम प्ले भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ है ये वाला आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें हैशटैग #1 किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी है, बंदा कोशिश ही कर सकता है। उसके बाद बाबा जी ये यूट्यूबर्स का एक और टूर्नामेंट था जिसमें टॉप पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर्स थे और इसमें बाबा जी क्वालिफाइंग राउंड में #1 के साथ क्वालिफाई किया है। आप लोग ऊपर पॉइंट्स देख सकते हो। उसके बाद 2 दिन का फाइनल था और फर्स्ट डे पर हम #1 पे थे, लेकिन सेकेंड डे जो था ना वो हमारा जो कि फाइनल रिजल्ट होना था क्योंकि 2 दिनों के टोटल पॉइंट्स मिला के रिजल्ट बनना था। उसमें हमारा 1-2 मैच गंदा चला जाता है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बंदों ने कहना यार तुम तो किसी और टीम के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो अल्लाह इज्जत रखने वाला है। #1 ये 4 बंदे हैं, हाउ मजनू, हाउ समी, हाउ फ्रेंकी और हाउ परफेक्ट। ये 4 प्लेयर मेरे ऑफिशियल क्लैन के हैं, इन्होंने खेला है और ओके की रिपोर्ट में ये टूर्नामेंट विन किया है।
वही बात है ना, जब अल्लाह ने इज्जत रखनी हो, नहीं तो लोग तो नहीं जीने देते, ठीक है। और अगर मैं किसी और टीम में खेल रहा हूँ, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो भी ऑलरेडी इन टूर्नामेंट्स में खेल रहे थे और वो कोई खास विन नहीं किया हुआ उन्होंने, बस कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने अपनी टीम छोड़ी है। इन फ्यूचर दोबारा से ज्वाइन करेंगे ताकि जो गलतियाँ हम करते हैं वो ना हों। और सीधी सी बात है, मैंने कुछ चीज़ें सीखने के लिए अपनी टीम छोड़ी है और उनको फ्री हैंड दिया है, क्योंकि मेरे साथ कुछ लड़के प्रेशर में खेलते हैं, तो मैंने कहा अपना 100% दो और मैं भी अपने आप को थोड़ा पॉलिश करके ही लौटूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टूर्नामेंट भी ओके की रिपोर्ट में हाउ ऑन टॉप, और रिसेंटली जो पूरे मंथ में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें बाबा जी क्वालिफाइंग राउंड से लेकर फाइनल्स तक अल्लाह ने इज्जत रखी है और हाउ ऑन टॉप हुआ है। और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं बाबा जी फ्लो फ्लो में पता नहीं कहाँ से कहाँ गुजर गया हूँ। और अगर किसी बंदे को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो यार सॉरी, मैं किसी को यार हर्ट करने या कोई इस तरह का सीन करने के लिए ये वीडियो नहीं डाल रहा, सिर्फ बात इतनी सी है कि यार कमीज फुल भिजिए पसीने नाल ते पानी पे आई हो, ये वाला मोमेंट आप लोग भी मिस कर रहे थे। और ओके की रिपोर्ट हो चुकी है, अब शहजादे और चौंकड़ी वाला सीन ऑन कर लो। और ये एक प्यारा सा चिकन डिनर किया जिसमें लास्ट में जिस बंदे की मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी ना, अल्बर्ट नाम, जिसने हाईएस्ट केडी के साथ कॉन्करर किया इस सीजन, उसके साथ भी फाइट है। आपके भाई ने ओपन में घुस के बस ठुक जाना है। क्लोज है, क्लोज है मेरी साइड, मेरे ऊपर एक निकल गया। Watch out. एक दो बंदे अभी भी उधर ही हैं। दो बंदे बैक साइड देखो। मारो इनको, ये नॉक नहीं हुआ, गिल्ली वाला मार दिया, लेफ्ट मार दिया, राइट पे राइट पे, खत्म है खत्म है। मैं भाई मड़ गया हूँ, क्या मारा है भाई, क्या चिकन निकाला यार, भी बुरा। ओए होए होए होए, 10 ते 4 14 ते 3 17 माशाल्लाह।